भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान, कहा मैं सत्य बोलती हूं इसलिए बदनाम हूं। हमारी देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी करेगा तो सच्चाई बताएंगे, हमारी असलियत तुम बता दो हमें स्वीकार। रतलाम में एक ही परिवार के 18 लोग मुस्लिम से बने हिंदू, पंचगव्य से नहाने के बाद अपनाया हिंदू धर्म, घर वापसी पर परिवार ने कहा हम भटक गए थे। बुरहानपुर में शेख अकबर को मोदी की तस्वीर ऑटो पर लगाना पड़ा भारी, शेख अकबर को मिल रही है जान से मारने की धमकियां, योजनाओं के लाभ से प्रभावित होकर शेख अकबर ने प्रधानमंत्री मोदी की लगाई थी तस्वीर अपने ऑटो पर। 13 जून को ईडी दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव डहरिया का बयान, जब बीजेपी को जनता नकारती तो ईडी सक्रिय होती है, बीजेपी का पलटवार, यदि आप अच्छे हैं तो डरने की जरूरत नहीं। जांजगीर चांपा के पिहारत गांव में बोरवेल में गिरा मासूम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चे को सुरक्षित निकालने के दिए निर्देश, कलेक्टर, एसपी, आईजी और क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।